हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू पी बी सी एस विद चौहान। गाइस, जो कि हम कर रहे हैं कंप्यूटर एंड सूचना प्रौद्योगिकी। तो गाइस, इसमें हम दो पार्ट्स ला चुके हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन एक पार्ट में कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ से 51 क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, इसमें लिखा है Y2K समस्या। ठीक है, तो Y2K समस्या क्या है? एक्चुअली क्या हुआ था, जब 2000 आया था ना, सन 2000, तो ये हुआ था, जैसे हम लिखते थे डेट कुछ इस तरह से लिखते थे। सपोज कि लिखा है 14 मार्च 1998 लिखा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या हुआ कि जैसे ही 2000 आता है, सन 2000 आता है, तो हम कैसे लिखेंगे 14 मार्च 00। गाइस, ये क्या कर रहा था? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी Y2K प्रॉब्लम, कि यहाँ पे 00 आप नहीं लिख सकते, 00 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो गाइस, यहाँ पे हमने क्या करा, प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से कर दिया, हमने कुछ इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दिया 2000 के बाद से, 2000 या 2001 या 2000। पहले हम लिख देते 01 लिख सकते थे, 02 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ के बाद हमने चेंज कर दिया है गाइस। ठीक है, तो यही है आपकी Y2K प्रॉब्लम। तो इसमें लिखा है सन 2000 के आगमन से जो है पूर्व, यह दहशत विद्वान थी कि इस सन के आखिरी दोनों शब्द क्या हैं, शून्य है, इसलिए कहीं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली न प्रभावित हो जाए, इस समस्या के निदान में भारी जो है व्यय की आशंका व्यक्त की गई थी। और यही थी हमारी Y2K प्रॉब्लम गाइस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान के कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी और सुधारने में भारी व्यय संभावित है। ठीक है, वही है, इस शताब्दी में ऐसी क्या प्रॉब्लम होने वाली, तो कंप्यूटर से रिलेटेड Y2K प्रॉब्लम ही होने वाली थी, वही लिखा है इसमें, और क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, कौन सी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, मतलब मस्तिष्क की कार्यप्रणाली सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर होगा इस यहाँ पे अब। ठीक है, अब जो आएगा वो आएगा क्वांटम कंप्यूटर, मतलब चल रहा है इनफैक्ट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन में 10 अरब क्या है क्वांटम इंटेगलमेंट ईजाद करने में जो है सफलता हासिल करी है। और इंटेगलमेंट वह उपकरण होता है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाता है, क्वांटम बाइट्स पर क्या है आधारित, सुपर फास्ट है ये। ठीक है, सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर एक बार में सवाल के बहुत से संभावित समाधान पर विचार कर सकता है, मतलब एक ही सवाल के बहुत सारे सोल्यूशंस पर विचार कर सकता है। पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित हैं, जो अभी हैं वो आपके बाइनरी स्विच यानी कि बाइनरी नंबर्स पे है, 01 पे आधारित होते हैं। अभी क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है, ये जो अब नया आ रहा है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखा है Y2K इन सब से रिलेटेड है। तो Y2K आपका बिल्कुल अभी हमने देखा कंप्यूटर से रिलेटेड है, और हम जानते हैं ध्वनि का जो आप मात्रक होता है वो आपका डेसिबल होता है। परम 10,000 की बात करें तो क्या ये पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल है? नहीं गाइस, ये हमारा जो है आपका कंप्यूटर का जो आपका स्टार्ट हुआ था, प्रोग्राम हुआ था सीडक के द्वारा, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये भी ये कोई मिसाइल विसाइल नहीं है गाइस। तो गठिया आपका यूरिक एसिड से होता है, ये भी आप जानते हैं। तो ये आपका जो डी है, डी गलत है, वो आपका क्या है, आपका लिखा है परम 10,000 भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है। और परम 10,000 का निर्माण पुणे स्थित किसने किया था? सीडेक ने किया था। ये भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। और Y2K ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है WLL का अर्थ क्या होता है? तो WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, यह एक संचार प्रणाली है, इसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, बेतार फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यानी क्या कर रहा है BSNL, इसके थ्रू गांव में, भारत के बहुत सारे ऐसे गांव में क्या कर रहा है, वायरलेस जो मोबाइल फ़ोन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है बिना तार वाली। ठीक है, लिखा है इंटरनेट इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ पे है? ठीक है, इंटरनेट इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? देहरादून में। लिखा है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्था कहाँ है? वही आपका देहरादून। तो इसमें लिखा है, अब लिखा है ऊष्मा से विद्युत। ओके चलिए, इसमें ऊष्मा है, ऊष्मा से विद्युत क्या बनाता है? एक मिनट, ऊष्मा से विद्युत बनाता है आपका ईंधन। ठीक है, ईंधन दहन होता है, यानी कि ऊष्मा होती है, ऊष्मा से आपका विद्युत बनता है। ठीक है, या फिर इस एक मिनट यहाँ पे थोड़ा देखिए, विद्युत से ध्वनि आपका, देखिए इसका आंसर होगा आपका लाउड स्पीकर है। ठीक है, द्रव्यमान से ऊष्मा आपका नाभिकीय रिएक्टर बनाता है। आप यूरेनियम यूज़ करते हैं, कुछ उसका द्रव्यमान लेते हैं, उसके बाद क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। रसायन से क्या है, ऊष्मा या रसायन से ऊष्मा एवं प्रकाश, रसायन यानी कि रसायन में आ जाएगा गाइस आपका, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है ऊष्मा से विद्युत क्या बना रहा है, ऊष्मा मतलब जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसको आप विद्युत में कन्वर्ट कर दे रहे हैं,
जो सोलर सेल होता है वो, ठीक है। विद्युत से धनु हमने देखा लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से हमने देखा नाभिकीय रिएक्टर, और रसायन से आपको बनाता है ईंधन, ईंधन दहन, ठीक है। इसमें लिखा है साइक्लो कार्मिक बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों क्यों किया जाता है गाइस, क्यों किया जाता है कि पहिया और जो धुरी होती है ना, पहिया होता है धुरी होती है, इन दोनों के बीच में जो स्पर्श होता है ना, इसको स्पर्श का जो है प्रभावी क्षेत्र उसको घटाने के लिए किया जाता है, ताकि आसानी से पहिया जो है आपका धुरी पर घूम सके, ठीक है, आसानी से। तो इसमें लिखा है इसमें से कौन सा उद्योग जो है चुंबकीय स्याही गुड़ यानी गुड़ पहचान यानी कि MIRC का जो है MIRC का प्राथमिक प्रयोग करता है, तो यह है बैंक। इसमें लिखा है कि जो चुंबकीय स्याही गुड़ पहचान है यानी कि मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, गाइस इसमें क्या पूछा जाएगा एक और कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ठीक है, तकनीक का जो प्रयोग है बैंकिंग उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है, ठीक है, चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है MICR का प्रयोग, ठीक है। अब लिखा है कि किस प्रकार कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हम कौन सा यूज़ करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें जैसे कि इसने कहा सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं, हमने कहा माइक्रो कंप्यूटर। इसमें आता है गेम कंसोल्स, इसमें आता है लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर आ गया, स्मार्टफोन, PDA, ये सारा आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज़ करते हैं। फिर एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है गाइस, इसमें होता है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ठीक है। मतलब डिजिटल घड़ी एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली पर जो है संचालित होती है यानी कि कार्य करती है। जो लिखा है निम्न लेज़र किस्मों में से कौन लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त किया जाता है, तो गाइस इसमें है सेमीकंडक्टर लेज़र का, हम लेज़र प्रिंटर होता है ना उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर लेज़र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक लेज़र एक क्या है, ठोस लेज़र है, और जिसका प्रयोग जो है लेज़र प्रिंटर और क्या है CD/DVD प्लेयर में किया जाता है, तो ये प्रकाश उत्सर्जक यंत्र के रूप में कार्य करता है, एक चीज़। दूसरा इसमें लिखा है कि जो एक्साइमर लेज़र या फिर एप्लीकेशन लेज़र क्या है, एक पराबैंगनी लेज़र है जिसका प्रयोग आँख की शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन और अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। फिर इसमें लिखा है गैस लेज़र, तो ये होलोग्राम बनाने में और विभिन्न उत्पादों पर क्या है छपे बार कोड जो होते हैं उसको पढ़ने में किया जाता है, किसका, गैस लेज़र का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मली बार कोड के लिए होता है। और फिर इसमें लिखा है कि एक होता है डाई लेज़र, तो इसे खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, जिसे आप एक दो बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र जो है, लेज़र प्रिंटर में हम कौन से, अभी हमने देखा था ये वाला सेमीकंडक्टर लेज़र या अर्धचालक लेज़र का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा है डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है गाइस डेस्कटॉप छपाई के लिए। इसमें लिखा है डेस्कटॉप प्रकाशन या DTP प्रकाशन की आधुनिकतम तकनीक जिसके आने के कारण प्रकाश का कार्य कम खर्च में प्रकाशन का कार्य जो है कम खर्च में अथवा अत्यंत सुविधा के साथ होने लगा है। डेस्कटॉप प्रकाशन के तीन प्रमुख अवयव हैं, एक है व्यक्तिगत कंप्यूटर हो गया आपका, एक पेज लेआउट करने के लिए एक क्या है सॉफ्टवेयर है, और अच्छी गुणवत्ता वाला एक प्रिंटर मुख्यतः लेज़र प्रिंटर जो हम प्रकाशन में यूज़ करते हैं। फिर लिखा है डेजी व्हील प्रिंटर का प्रयोग का प्रकार है, ठीक है, तो डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, कौन से प्रिंटर का होता है, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार। गाइज ये सब आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको याद हो जाएगा, ये आपको रटना पड़ेगा। तो इसने लिखा है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, ठीक है, इत्यादि जो है आपके आपका इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। मतलब इसने कहा इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, आपका एक आता है डॉट मैट्रिक, एक आता है आपका डेजी व्हील, एक होता है लाइन प्रिंटर, ये तीनों आते हैं। WWW का आविष्कारक कौन है, मतलब WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वाइब होती है, ये क्या है विश्वव्यापी वेब है जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है, ठीक है। WWW बोलिए, वर्ल्ड वाइड वेब बोलिए, खाली आप वेब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपस में परस्पर जुड़े एक हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज को क्या है इंटरनेट द्वारा प्रदान किया करने की प्रणाली है, ठीक है। अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली, देखिए इसको कौन लाते हैं, टिम बर्नर्स-ली ने जो है 1989 में क्या विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किया है, किसने, टिम बर्नर्स-ली ने 1898 में किया इसका आविष्कार। तो जो है आपका WWW का जो है अर्थ है यानी इसकी फुल फॉर्म है गाइस, ये भी वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 71 भी वही क्वेश्चन है, 72 में लिखा है कि इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर है सी यानी कि टिम
बर्नर ली ने किया, और फिर WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि ये दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। मतलब ये क्या है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। बहुत सारे कंप्यूटर हैं, सब पे कुछ ना कुछ है, तो ये क्या है, एक दूसरे से जोड़ता है। लिखा है WWW आपस में हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। ठीक है, एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, अन्य मल्टीमीडिया होते हैं। हाइपर लिंक की सहायता से पन्नों के बीच आवागमन कर सकते हैं, मतलब हम एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे इसकी सहायता से चले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखा है कंप्यूटर पर लिखित जो लिंक्ड जानकारी के संग्रहण को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि क्या, WWW, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रहण को जो इंटरनेट के माध्यम से हमें उपलब्ध होती है। कंप्यूटर पर कोई जानकारी है, इंटरनेट के माध्यम से उसको हम देख पाते हैं, तो वो किसके थ्रू क्या यूज़ करते हैं हम, www.gmail.com, www.facebook.com, तो हम इसकी सहायता से ही कर पाते हैं। फिर लिखा है ब्लूटूथ तकनीक जो है अनुमति देती है, क्या अनुमति देती है, आइए इसका आंसर देख लें। डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार के लिए, यानी कि दो मोबाइल फ़ोन है, दो उपकरण है मोबाइल फ़ोन, उसके बीच क्या वायरलेस का मतलब बिना तार के संचार, यानी कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा को ट्रांसफ़र करने का की अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ विनिर्देशन का विकास सर्वप्रथम 1994 में हार्टसन ने किया था। कब किया था, 1994 में हुआ है। फिर ब्लूटूथ वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, संगणक मतलब कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका, रेडियो तरंग, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की जो है आवश्यकता होती है, मतलब अगर आपको सब कुछ डिजिटल करना है तो किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो गाइस देखिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो उसके लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संबंधित वित्तीय मतलब पैसा भी चाहिए। ठीक है, जो जनशक्ति है उसके प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, और एक क्या है, अत्याधुनिक संचार की भी संरचना, यानी कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ठीक है, मतलब इच्छा शक्ति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्रशिक्षण भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ही चाहिए। तो देखते हैं आंसर इसका डी है, चारों चीज़ें चाहिए। वही चीज़ लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, मतलब आईटी से रिलेटेड क्या नहीं है, मॉडम, अपलोड, ओके, साइबर स्पेस या प्रकाशीय भंडारण। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है ये, प्रकाशीय भंडारण। ठीक है, ये आपका लिखा है साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडम जो है शब्दावली जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, प्रकाशीय भंडार जो है कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी से संबंधित है, और जो ये आपका है ये वाला, ये आपका कंप्यूटर से। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है, मतलब आईटी में नहीं आती। देखिए, एक लिखा है मॉडम, एक लिखा है पासवर्ड, लॉगिन, पिनाका। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, पिनाका। ठीक है, मॉडम आप सुनते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, आईटी में आता है, और लॉगिन भी आता है, पासवर्ड भी आता है, सारी चीज़ें आप देखते हैं। ठीक है, पिनाका क्या है, एक हमारा देखिए इसमें क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड में क्या है, 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं इसके थ्रू, पिनाका के थ्रू रॉकेट लॉन्च करता है। तो इसमें रॉकेट रखने, उसका प्रक्षेपण और उसको दागने के लिए एक वाहन भी है। ठीक है, बेकार, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। फिर जो इस निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है, प्रोटोकॉल, आर्ची, लॉगिन, उपरोक्त सभी, तो इसमें भी सारे ही हैं, ये सारे सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। तो इसमें लिखा कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के संपर्क में प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच सूचना विनिमय करने के लिए विनिमय का एक सेट है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर किसी कंप्यूटर या सुविधा के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। और आर्ची क्या है, इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है। ठीक है, सर्च फैसिलिटी है क्या आर्ची। फिर इसमें लिखा है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ यानी कि सेट ऑफ रूल्स कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, नियमों का एक समूह होता है। जो प्रोटोकॉल होता है वो एक समूह होता है, किसके, नियमों का एक समूह होता है, जिसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बीच डेटा के आदान प्रदान की विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी
ट्रांसमिशन एक्सचेंजों को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है वो होता है हमारा TCP/IP। देखिए गाइस ये हमने पहले भी देखा था। अब इसमें देखते हैं TCP क्या है। TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक रूटीन प्रोटोकॉल होता है, जबकि IP जो है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एक क्या होता है रूटेड प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट पर जानकारी पैकेट्स के रूप में जाती है, मतलब जो भी जानकारी है वो पैकेट में होके जाती है, छोटे छोटे पैकेट बने होते हैं उससे जानकारी आगे बढ़ती है। तो TCP का कार्य इसी तरह के पैकेट को बनाना है, जो जानकारी पैकेट्स के रूप में जाएगी, और इन पैकेट को कौन बनाता है वो बनाता है आपका TCP। ठीक है, फिर इन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना और ये सुनिश्चित करना कि जो पैकेट है वो गुम ना हो जाए। ठीक है, और जब भी किसी पैकेट को भेजा जाता है कि वो गुम ना हो, और तो इसको क्या है एक IP एड्रेस दे दिया जाता है। और इस प्रकार IP एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर जानकारी को उसकी सही जगह तक पहुंचाता है, मतलब एक IP एड्रेस है वो जहां उस पैकेट को जाना है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है IP। IP एड्रेस IP करता है, और TCP क्या करता है उन पैकेट को बनाने का काम करता है। क्या पैकेट है, सूचनाओं का एक पैकेट बनता है TCP के द्वारा, IP उसको उसकी जगह पर ले जाता है जहाँ उसको भेजना होता है। ठीक है, अब लिखा है साइबर लॉ की जो शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है। तो लिखा है साइबर कानून की जो शब्दावली है उसमें डॉट का मतलब है डिनायल ऑफ सर्विस, याद कर लीजिएगा डिनायल ऑफ सर्विस। अब जंक ईमेल को भी कहते हैं क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, स्पैम बोलते हैं। ऑप्शन है डी, स्पैम को जंक ईमेल या फिर हम क्या बोलते हैं अनसॉलिसिटेड बल्क मेल कहते हैं। जो आपके ये स्पैम होते हैं ना, ये आपको नॉर्मली इनबॉक्स में नहीं दिखते, ये आपको एक स्पैम करके एक होता है वहाँ पे आपको ये ईमेल्स दिखते हैं। ठीक है, स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो गाइस ये कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल है, मतलब अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए फिर भी आ रहे हैं, अवांछित ईमेल है, जो काफ़ी संख्या में भेजे जाते हैं, मतलब एक नहीं भेजा बहुत सारी संख्या में, बिना मांगे और बिना बुलाए, हमें नहीं चाहिए बट आ रहे हैं। तो इसमें क्या है प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। जब जब से ईमेल का विकास हुआ है स्पैम एक समस्या बनी हुई है। तो गाइस निम्नलिखित संक्षेप, ये भी वही है स्पैम, इसका आंसर है डी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, एक निश्चित पते पर किसी अब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, मतलब एक ही पते पर जो है बार बार जो है आपके पास संदेश आता है, तो इसे बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, तो इसने कहा एक ही पते पर बार बार आ रहा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि किसी निश्चित पते पर क्या एक ही ईमेल संदेश जो है बार बार भेजना जो है ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है, जबकि ईमेल स्पैमिंग के अंतर्गत क्या होता है एक ही ईमेल जो है संदेश को सैकड़ों हजारों प्रयोक्ताओं को भेजा जाता है। मतलब एक स्पैमिंग में देखिए क्या होता है, एक मेल है उसे हमने बहुत सारे लोगों को भेज दिया। ठीक है, और जो ईमेल बॉम्बिंग है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है ईमेल वो सारे एक ही बंदे को भेज दिया, एक ही आदमी को यहाँ भेज दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आदमी को भेज दिया, तो ये होता है स्पैमिंग, ये होता है बॉम्बिंग। याहू गूगल और क्या लिखा है MSN है, क्या है ये सारे आपके इंटरनेट साइट्स हैं। याहू भी आपकी इंटरनेट साइट है और अब गूगल भी है, और क्या है MSN भी आपकी इंटरनेट साइट है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है, वेब ब्राउज़र गूगल का कौन सा वाला है, तो गाइस इसमें है आपका क्रोम। गूगल द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब ब्राउज़र का विकास इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं तो हम कहते हैं क्रोम किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके द्वारा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। फिर फायरफॉक्स किसके द्वारा है, मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा। एंड जो सफारी है वो किसके द्वारा है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो गूगल ऐप कोई ब्राउज़र नहीं है। ठीक है गाइस, ओपेरा एक गूगल ब्राउज़र है जो कि हम पहले देखते थे मोबाइल में, बहुत लोग यूज़ करते थे। विवाल्डी है और मोजिला फायरफॉक्स तो है ही, आप जानते हैं। ठीक है, तो यही सब है। इसमें लिखा है वेब वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, वेब स्पाइडर। लिखा है वेब कॉलर को वेब स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्वतः ही दस्तावेजों की खोज कर सकता है। ठीक है, अब लिखा है वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या है, आपका संचार प्रौद्योगिकी है। क्या है आपका, संचार प्रौद्योगिकी है वाईमैक्स। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस,
का ये क्या है, मतलब ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक क्या है दूर संचार प्रौद्योगिकी है, मतलब बहुत दूर तक अगर आपको कुछ भी डेटा भेजना भेजना है तो वो मतलब क्या होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन है ये, ठीक है, जो डेटा के बेतार संचार की सुविधा उपलब्ध कराता है। वाईमैक्स, जैसे वाईफाई, वाईफाई का एरिया थोड़ा सा कम है, वाईमैक्स का बहुत बड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पर नहीं है, ठीक है, एनालॉग, बाइनरी कोड, मोड और चिप, ठीक है, एक्चुअली तो ये सारे ही हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखिए इसमें लिखा है कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है यानी कि जीरो और वन को समझता है, और कंप्यूटर की जो आईसी है वो सिलिकन की बनी होती है, और कंप्यूटर तीन मोड में कार्य करता है, एक रियल मोड में करता है, एक प्रोटेक्टेड मोड में करता है, एक वर्चुअल रियल मोड में करता है। यानी कि इसके जो हैं ये चारों ही जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वायरस है उसका क्या मतलब है। देखिए वायरस की फुल फॉर्म कह रहा है, तो वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, क्या होता है, अंडर सीज, ठीक है। कंप्यूटर वायरस वस्तुतः एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर प्रणाली, जो कंप्यूटर प्रणालियों के अन्य, तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर में हर चीज़ सॉफ्टवेयर ही होती है, ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्राम होता है जो कि सॉफ्टवेयर। इसमें लिखा है कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का अवांछित, क्या है आपका, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, मतलब अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते, जो अपनी क्या होता है प्रतिलिपियां, यानी कि अपनी ही कॉपी तैयार करके कंप्यूटर को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब जैसे एक वायरस है, एक से दो, दो से चार, 10, 100 ऐसे करके यह प्रतिलिपि बनाता है, और इसमें मैलवेयर हो गया आपका, एडवर्ड हो गया आपका, स्पाईवेयर हो गया, भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रदूषित कर देते हैं, मतलब ये भी करते हैं, परंतु ये जो वायरस से भिन्न है, ये वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इसमें जो है पुनरुत्पादन की जो क्षमता नहीं होती। जैसे वायरस क्या होता है, एक से दो, दो से 10 ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है, बस इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं। फिर लिखा है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसका आंसर बी। फिर लिखा है कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है, ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो जो स्वयं की क्या बनाता है, प्रतिलिपियां बनाता है, यानी कि क्या बनाता है, कॉपीज बनाता है अपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है कंप्यूटर वायरस होता है क्या होता है, ये भी इसका आंसर है विनाशकारी प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये क्या है, विनाशकारी प्रोग्राम है। लिखा है कंप्यूटर वायरस का मतलब है क्या होता है, कंप्यूटर वायरस का मतलब विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम होता है, ठीक है, विद्वेष यानी कि वही विध्वंसकारी, मतलब जो भी है आपका अनवांटेड, ठीक है। अब लिखा है एक प्रोग्राम का, इसका भी वही आंसर है, आप पढ़िएगा इसको। लिखा है कंप्यूटर वायरस अपनी जो है प्रतियां स्वयं बनाकर एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है, मतलब एक प्रोग्राम में है, एक से दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है ये, और बिना मानवीय मदद या हस्तक्षेप के यह दूसरे कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता, यानी कि कोई आदमी चाहिए इसके लिए कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुँचे, अपने आप नहीं जाएगा ये, ठीक है। इसमें लिखा है एक जानबूझकर, इसका आंसर है डी, यानी कि इसका भी वायरस आंसर है, आप इसे देखिएगा। आर मतलब रिपीट, क्रीपर विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है, यहाँ पर लिखा है क्रीपर जो है विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश और उसके फैलने को रोकता है, मतलब जो वायरस होता है, इसने कहा सबसे पहला वायरस क्रीपर हो गया, और एंटीवायरस क्या करता है, उस वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकता है, या फिर क्या करता है, उसको फैलने से रोकता है, या कंप्यूटर में आने से ही रोकता है, एंटीवायरस। तो गाइस ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसमें लिखा है संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचने के लिए किया जाता है, तो गाइस ये हमारा क्या होता है, अनाधिकृत आक्रमण, ये भी वही है वायरस जैसा है, अनवांटेड कोई आक्रमण बाहर से आ जाता है, करता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फायरवॉल का यूज़ करते हैं। तो ये फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनाधिकृत आक्रमण या उपयोग को रोकने और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने, मतलब जो वांटेड है उसको तो भेजो, लेकिन जो अनवांटेड है या अनवांटेड है उसको रोको। तो फायरवॉल को हार्डवेयर और या सॉफ्टवेयर या दोनों संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है, मतलब इसको आप कहाँ कहाँ, हार्डवेयर जो फायरवॉल है उसको हार्डवेयर में भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में भी संयोजित कर सकते हैं। लिखा है अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसे कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, तो ये है आपका है यूनिक्स, ठीक है, ऐसी आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें लिखा है यूनिक्स एक कंप्यूटर चालन तंत्र है, ठीक है, जिसमें मल्टी, देखिए ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है मल्टी यूज़र, मतलब वैसे नॉर्मली एक यूज़र एक कंप्यूटर पे बैठ के कर सकता है, ठीक है, मतलब एक सिस्टम पे एक कंप्यूटर, तो इसमें एक यूज़र, ठीक है, यहाँ पे मल्टी यूज़र मतलब एक से ज़्यादा यूज़र जो है आपका बात काम कर सकते हैं। तो इसे कब लाया गया था, 1969 में लाया गया था, ठीक है, और इसे विकसित किया AT&T ने, ठीक है, AT&T द्वारा विकसित किया गया था, क्या, यूनिक्स।
फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक लोकप्रिय विंडोज़ एनवायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत किया, मतलब कब आया था, 2019। ठीक है, अब हमारे पास जो हम देखते हैं, हमारे पास आपने बहुत लोगों ने विंडोज़ 7 चलाई है, विंडोज़ 10 चल रही है शायद अभी, या ठीक है विंडोज़ 13 भी आ गए थे। तो विंडोज़ जो इसमें लिखा है विंडोज़ 3, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये कब आया था, 1990 में आया था। ठीक है, तो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एक श्रृंखला है। तो विंडोज़ 3 श्रृंखला जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब लाई गई थी, 1990 में लाई गई थी, और 1915 में हमारे पास आता है विंडोज़ 10। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नवीनतम क्या है इस वक्त, जो है विंडोज़ 10 है, W10, विंडोज़ 10 है जो है अभी नया। तो इसके बाद लिखा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, गाइज ये वही सेम क्वेश्चन है। तो विंडोज़ कौन लाता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण वही है आपका, इसका आंसर है डी, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्चुअली इसमें लिखा नहीं है। फिर लिखा है टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसमें लिखा है सिंप्लेक्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे टेलीविज़न है, ठीक है, आपके पास सिर्फ सिग्नल आ रहा है, यहाँ से सिग्नल ऊपर जा नहीं रहा है, सपोज़ यहाँ सेटेलाइट है, ठीक है, तो सपोज़ कि ये आपके पास टीवी है, टीवी पे एक एंटीना लगा हुआ है, यहाँ पे सेटेलाइट है, सिग्नल सेटेलाइट से आ रहा है, आप टीवी से सेटेलाइट पे नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला है सिंप्लेक्स। ठीक है, अगर आपका दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो हम बोलते हैं उसको डुप्लेक्स। ठीक है, यही है सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब कि सपोज मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं सिर्फ, डुप्लेक्स क्या होता कि मैं भी बोल रही हूँ और आपकी साइड से भी कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब आप भी बोलें मैं भी बोलूँ, तो ये होता है डुप्लेक्स। और सिंप्लेक्स मतलब एक साइड से हो रहा होता है तो सिंप्लेक्स होता है। तो टेलीविजन ट्रांसमिशन क्या है आपका, सिंप्लेक्स ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है, इसमें तो वही लिखा है, कुछ नया नहीं है इसमें लिखा। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं, मतलब जो स्मृति मतलब मेमोरी कौन कौन सी होती है, तो गाइस इसका आंसर देख 1, 2, 4। ओके, तो देखते हैं इसमें, एक तो सेमीकंडक्टर की स्मृति होती है, आपने आपका मैग्नेटिक टेप होता था तो वो होता है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क होती है जो आपकी होती है, CD DVD होती है, मैग्नेटिक टेप होता था, आप पहले जो VCR में आप यूज़ करते थे ना, वो मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे, आजकल हम सेमीकंडक्टर की जो पेन ड्राइव यूज़ करते हैं वो हो गया, सर्वर तो गाइस अलग ही चीज़ हो गई। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है। अब लिखा है कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित होती है, ओके हिंदी लिखे इसमें लिखा है बूलियन, ओके बूलियन एलजेब्रा पे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कंप्यूटर की मशीनी भाषा जो है बूलियन एलजेब्रा पर आधारित होती है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक कंप्यूटर जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है या डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है केवल एक ही भाषा को समझता है, वो होती है बाइनरी भाषा। तो बाइनरी भाषा यानी कि 0 और 1 को समझता है, तो बाइनरी भाषा में मात्र 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, एक बाइनरी भाषा को कंप्यूटर की मशीनी भाषा कहा जाता है। ये किस पर आधारित होती है, बूलियन एलजेब्रा यानी कि बूलियन बीजगणित पर। लिखा है कंप्यूटर की जो मेमोरी का मापन किया जाता है, तो बिट्स में किया जाता है गाइस, जैसे कि हम पता था 0 और 1 ये बिट हो गई, फिर बाइट होती है, ठीक है, तो ये हो गई बिट, यानी कि 0 क्या होते हैं, 1 बिट, 0 को हम 1 बिट बोलेंगे, अगर ये हम 0 1 लिखेंगे तो 2 बिट हो गए, 1 1 1 1 लिखेंगे तो 4 बिट हो गए, 0 0 1 0 1 ऐसे 1 2 3 4 5 5 बिट हो गए, इस तरह से होता है। तो हम किस में मापन करते हैं, हम बिट्स में मापन करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इसमें लिखा है कंप्यूटर स्मृति यानी मेमोरी का जो कार्य होता है, किसी भी निर्देश सूचना परिणाम को संचित करना होता है बिट, अर्थात बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी का ये बिट। ठीक है, ये स्मृति में क्या होता है, एक बाइनरी अंक यानी कि 0 और 1 को संचित किए किया जाना प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें लिखा है बाइनरी संख्या क्या है गाइस, हम जानते हैं 0 है और 1 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें कुछ नहीं है, 0 1 ही है और कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो बाइनरी कोड में जो संख्या 7 को कैसे लिखते हैं, तो देखिए गाइस कुछ इस तरह से होता है, मैं बस एक छोटा सा बता दूं, हम लिखते हैं लाइक 0 को अगर लिखना है तो आप 3 इसमें लिखें तो 0 0 0। ठीक है, और अगर आपको 1 लिखना है तो आप लिखते हैं 0 0 1, 2 लिखना है तो 0 1 0 लिखते हैं, और 3 लिखना है तो 0 1 1 लिखते हैं, और 7 लिखना है आपको तो गाइस यहाँ पर लिखते हैं आप 1 1 1। ठीक है, यानी कि ये होता है 1 और ये होता है आपका 2 और ये होता है आपका 4। ठीक है, तो यानी कि हमने कहा 0 0 0 सब कर दिया तो कुछ भी नहीं, अब हमने सिर्फ 1 पे लिखा है तो ये मतलब हो गया आपका 1, और हमने यहाँ पे 2 पे एक 1 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 2। अब हमने क्या किया, 2 और 1 दोनों पे लिखा है, 2 और 1 पे 1 लिखा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब हमने तीनों पे ही 1 लिख दिया, यानी कि 4 + 2 + 1 = 7। तो इसने पूछा कि 7 को कैसे लिखेंगे, 7 को हम इस तरह से लिखते हैं।
आगे आ जाता है 8, फिर उसके आगे आ जाता है 16, उसके आगे आ जाता है 32। तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर्स लिख देते हैं। तो गाइस अब क्या करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है? तो गाइस 2, 0 और 1, ठीक है। उसे हम मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? गाइस ये तो थोड़ा सा रट लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें लिखा 1+1 क्या होता है? जब हम 1+1 को ऐड करते हैं, गाइस देखिए क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज में जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 0 और 0 को जब हम ऐड करते हैं तो 0 आता है, और 0 और 1 को ऐड करते हैं, मतलब ये 0 है और 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, बट 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो 1 और 1 होता है 0 और कैरी हो जाता है 1, ठीक है। 1 और 1 0 और कैरी हो जाता है 1। आइए देखते हैं, तो इसमें लिखा है 0 और कैरी 1, ये इसका आंसर है। फिर लिखा है एक कंप्यूटर की स्मृति यानी कि जो मेमोरी है सामान्य तौर पर किलोबाइट मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। इसने कहा एक जो बाइट है वो कितना होता है? वो होता है 8 बिट का, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, ये है 8 द्वि आधारित अंकों का, मतलब द्वि आधारित यानी 0 1 8, टोटल 8 है, तो इस पे एक बाइट बन जाता है, ठीक है। वैसे ये देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है एक बाइट बराबर हो गया 8 बिट, 1 किलोबाइट यानी कि के बाइट, के होता है 10 1000, सॉरी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है, बस यहाँ पे हम पूरा 1000 नहीं लिखते हैं, वहाँ यहाँ हम लिखते हैं 1024 लिखते हैं, ठीक है। हर जगह 1000 की जगह हम यही लिखते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, ये बस थोड़ा सा है, ट्रिकी सा है, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके, ठीक है। और अब यहाँ पर लिखा है किलो बाइट, तो यहाँ पर लिखा है 1 के बाइट, तो यहाँ पे 1 × k बाइट आते हैं, तो इस 1 को हटा दो, कोई मतलब नहीं बनता है। k को हमने लिख दिया ये, 1000 की जगह हमने लिख दिया ये, ठीक है। अब लिखा है मेगा होती है 10 की घात 6 होती है, यानी हम ऐसे कर सकते हैं 10 की घात 3, 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 को इसने क्या लिख दिया? इसने लिख दिया ये, और इस 10 की घात 3 को इसने लिख दिया किलो यानी कि के बाइट, ठीक है। अब गीगा बाइट का देखिए क्या होता है, गीगा होती है 10 की घात 9, ठीक है। 10 की घात 9 होती है, तो हमने ऐसे लिख दिया 10 की घात 3 और 10 की घात 6, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। तो इस 10 की घात 3 को हमने लिख दिया कुछ ऐसा, और 10 की घात 6 को हम लिखते हैं मेगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे मेगा, ठीक है। यहाँ पे मेगा में 10 की घात 6 था, हमने अभी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे होता है टेरा, टेरा होता है 10 की घात कितना? 12, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिख दिया है, 10 की घात 3 अलग कर दिया है, और 10 की घात 9, 9 को हम लिखते हैं गीगा, अभी हमने देखा था, तो गीगा, तो यहाँ पे लिख दिया गीगा, और इसको हमने लिख दिया 1024 लिख दिया। तो लिखा है 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, ठीक है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रहा है गाइस। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये लिखा है बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है, ठीक है। बिट बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है, बाइनरी डिजिट मशीनी लैंग्वेज का सबसे छोटा रूप क्या है? बिट है। 0 1 से लिखते हैं हम, तो 0 1 में से कोई भी एक लेंगे तो बिट, ठीक है गाइस। कंप्यूटर में शब्द, तो गाइस एक काम करते हैं, ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पे पॉज कर देते हैं, और जो अब हम है बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। तो गाइस ये थोड़े से जो है इसमें पार्ट्स ज़्यादा बन जाएंगे, तो देखते रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट पार्ट में, यही हम पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है। मतलब यही जो आपका चैप्टर है उसी को आगे कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं। गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।